संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा परंपरागत तरीके से बुधवार को ज्योतिया व्रत का पर्व मनाया गया, जबकि गुरुवार की सुबह माताओं द्वारा व्रत का पारण किया जाएगा। इस मौके पर बुधवार को व्रती सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए जीवित वाहन की पूजा अर्चना की गई एवं अपने पुत्र एवं पुत्री की लंबी आयु की कामना की गई। इसके लिए महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। गौरतलब है कि अश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भारतीय हिंदू समाज में जीवित पुत्रिका व्रत का आयोजन करने का विधान है। संतान के स्वस्थ सुखी और दीर्घायु होने की कामना के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत की। हिंदू धर्मावलंबियों के लगभग सभी घरों में इस व्रत को रखा गया। माताओं ने इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा,